पर्पल न्यूज से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। कल रामनवमी का दिन था और रामनवमी के दौरान देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां सवाल खड़ा हो गया है कि ये कैसी रामनवमी थी जिसमें मुस्लिम बस्तियों को टारगेट किया गया, मस्जिदों को टारगेट किया गया, मजारों को टारगेट किया गया। क्योंकि आज दिन भर मैं इन्हीं खबरों में लगा हुआ था तो गुलबर्गा की घटना भी, कर्नाटक के गुलबर्गा में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली। क्या कर्नाटक की पूरी सच्चाई है, इसी पर बात करने के लिए और बीते कुछ दिनों से लगातार जो कर्नाटक में नफरत परोसी जा रही है इस पर हमसे बात करने के लिए शाहिद नजीर साहब मौजूद हैं, जो कि कर्नाटक गुलबर्गा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल गुलबर्गा की जो घटना थी उसकी असल में सच्चाई क्या है, क्या कुछ नुकसान हुआ है वहां पर कल? जी, गुलबर्गा के अंदर जो रामनवमी है, टोटल ओवरऑल कर्नाटका के अंदर जो है 4-5 जगह इंसिडेंट कल देखे गए। कर्नाटका के रायचूर में, शिमोगा में और इसी तरीके से कोलार में कई जगह कर्नाटका के अंदर इस बात की कल कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जो है कर्नाटका के अंदर जो है फसाद बरपा हो, उसी की तैयारी थी। कर्नाटका में चल जो जुलूस निकला वो हर साल जुलूस निकला करता था वो, मगर 2 साल कोविड रहने की वजह से वो जुलूस नहीं निकला। इससे पहले जो जुलूस हुआ करता था 300-400 लोग उसमें शामिल हुआ करते थे और वो मुकामी लोग ही हुआ करते थे, मगर कल जो गुलबर्गा के अंदर हुआ इसका बाजाब्ता 20 दिन पहले से इसका कैंपेनिंग किया गया और अतराफ के खेड़े गाँव से, अतराफ के शहरों से जो है लोगों को इन्वाइट किया गया और ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया में और अखबारों में डाले गए कि गुलबर्गा जो है अब तारीख रकम करने वाला है, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा एक मुजाहरा होने वाला है बोलकर। क्योंकि गुलबर्गा के अंदर मुस्लिम तबके की तैदाद बहुत बड़ी है और बहुत सारे मसाजिद है गुलबर्गा के मेन अहम शहरों के ऊपर मौजूद हैं, तो और कहीं कभी भी गुलबर्गा के अंदर ऐसे एक फसाद जैसी जो है सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी। कल गुलबर्गा के अंदर जो है कई एक मसाजिद को जो है कवर करना पड़ा क्योंकि कुछ इंसिडेंट करेंगे बोलकर, और गुलबर्गा की जो सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट के मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाद जो है असर जहर से लेकर असर तक जो है बहुत ज्यादा जो है एक नफरत अंगेज तराने लगाए गए, मुसलमानों को बनाएंगे मंदिर गाने लगाए गए जिससे जो है मुसलमानों को प्रोवोक करने की बहुत सारा कोशिश की गई। लोकल जो डिफीट MLA हैं बीजेपी के वो जो है बहुत ही एक कम्युनल फिजा यहाँ पर जो है करने की कोशिश की गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक सबर का मुजाहरा यहाँ पर हुआ और जो फैसिस्ट लोगों का, बीजेपी का जो एजेंडा था कि किसी भी तरीके से जो है वो फसाद में कन्वर्ट करने की, क्योंकि गुलबर्गा की जो मार्केट है वो गुलबर्गा के मार्केट में मुसलमानों का कारोबार तकरीबन 60% से ज्यादा कारोबार जो है मुसलमानों का है, वो चाहे तरकारी का कारोबार हो, कपड़ों का कारोबार हो या किराना कारोबार हो, हर कारोबार में यह है। तो वैसी जगह पर जो है पुलिस के मौजूदगी में जो है बहुत ज्यादा प्रोवोक करने की जो है गुलबर्गा के अंदर कोशिश की गई। कोई इंसिडेंट नोट नहीं हुआ इसके, अलबत्ता जो है गांव वगैरह में जो है बहुत सारा प्रोवोक करने की और इंसिडेंट करने की कोशिश की गई है। रायचूर के अंदर जो है एक इंसिडेंट हुआ है, रायचूर गुलबर्गा से एक 150 किलोमीटर दूर है, वहां पर इंसिडेंट हुआ है, मस्जिद के ऊपर पथराव किया गया और झंडा लगाने की जो है कोशिश जो है कल कर्नाटका के अंदर हुई है। कर्नाटक के अंदर ये घटनाएं तो घटी है, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि कई जगह से तस्वीरें सामने आई जिसमें पुलिस प्रशासन ने दंगाइयों को रोकने की भी कोशिश की, तो कई जगह पर दंगाइयों के साथ मिलकर के पत्थर चलाते हुए भी दिखाई दिए, तो कहीं हाथ बांध करके बैठे रहे कि आप अपना काम कीजिए, हम पीछे से निगरानी कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके का इंसिडेंट क्या कर्नाटक में भी देखने को मिला है? जी, कर्नाटका के अंदर जो है कोलार में प्रमोद मुतालिक बोल के रामसेना का जो प्रेसिडेंट है वो वहां पर जाकर जो है प्रो करने की कोशिश किया और वहां पर थोड़ी देर के लिए बहुत सारा टेंशन का माहौल भी हो गया था, बाद में वहां के SP ने उसे रुका कर जो है इंसिडेंट रोका गया। रायचूर के अंदर जो है वो कोशिश की गई, रायचूर के अंदर चंद एक फ्लैग मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर लगाने की कोशिश की गई, पथराव करने की जो है एक तो दो इंसिडेंट यहाँ पर हुए हैं,
और टोटल क्या है बोले तो, जब से येडियुरप्पा गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर से हटे हैं, जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, ये जो है यूपी मॉडल को कर्नाटका में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका की बीजेपी गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके जरिए से आने वाले दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके जरिए से रिश्तेदार में पा सकते हैं। आप जान सकते हैं यूपी के अंदर भी जो है तरक्की का कोई भी ये नहीं रहने के बावजूद भी वो लोग इक्तदार को आए हैं, वही फार्मूला कर्नाटका में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटका इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका जो है साउथ इंडिया का एक गेट है। आप जानते होंगे कर्नाटका तमिलनाडु हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो, या तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर कहीं पर भी जो है साउथ इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ कर्नाटका में बीजेपी की गवर्नमेंट है। और कर्नाटका की बीजेपी गवर्नमेंट ये किसी भी हालत में कर्नाटका को छोड़ना नहीं चाहेंगे वो, इसीलिए जो है ऐसे कम्युनल एजेंडों को हर जगह, इसकी इसकी शुरुआत जो भी है अयोध्या पूजा के जरिए से इसकी शुरुआत हुई है कर्नाटका में। कर्नाटका में जो अयोध्या पूजा हुई थी उसमें पूरे कर्नाटका के अंदर त्रिशूल बांटे गए थे, तलवारें बांटी गई थी, उसके बाद जो है कर्नाटका के अंदर जो है हेट स्पीचेस का एक दौर शुरू हुआ। कई एक धर्म संसदें यहाँ पर बुलाई गई, धर्म संसदें बनाई गई, हेट स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ की गई। उसके बाद आप देख सकते हैं बेलगाम के अंदर अरबाज का कत्ल हुआ एक लड़की के मामले के अंदर, उसी तरीके से शिमोगा के अंदर तुम्हारा नरगुंद, गदग डिस्ट्रिक्ट के नरगुंद में जो है समीर को शहीद किया गया संघ परिवार की तरफ से, और उसी तरीके से अलंद की दरगाह का इशू बनाकर जो है तकरीबन 170 मुसलमान जो है जेलों से अभी अभी रिहा हुए हैं, तकरीबन 2 महीने वो जेलों के अंदर थे। उनकी गलती यही थी कि वो अलंद की दरगाह को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर ठहरे हुए थे। तो आए दिन एक ना एक इश्यूज जो है कर्नाटका में चले हुए हैं पिछले 1 महीने में से, तो 1 महीने से तो जो है 6-7 इश्यूज मुसलमानों के खिलाफ एक महाज जैसा जो है कर्नाटका के अंदर खोला गया है। वो महज आप देख सकते हैं वो हलाल का इशू हो, हिजाब का इशू हो, मुसलमानों के आम के कारोबार का बायकॉट हो, चाहे वो मुसलमानों के ऑटो चलाने वालों का बायकॉट हो, ओला के अंदर मुसलमानों के नाम की निशानदाही कर कर उसका बायकॉट करना हो, एक सीरीज वाइज जो है इंसिडेंट कर्नाटका के अंदर शुरू हुए हैं। ये आने वाली एक इलेक्शन को लेकर जो है ये पूरी चीजें कर्नाटका में हो रही है। क्योंकि शायद सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि कर्नाटक जो है हमेशा से एक एकता का पैगाम हमेशा देता हुआ दिखाई दिया है। 75 सालों में कभी ऐसी तस्वीरें कर्नाटक से देखने को नहीं मिली। अचानक इतनी जो हवा में जहर घोल दिया गया है, लोगों के दिलों में नफरतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, कारण क्या रहा है जो लगातार नफरत कर्नाटक में अपने पैर पसारती हुई दिख रही है? कि इसमें एक सबसे बड़ी रीजन क्या है, पॉलिटिकल चेंज जो कर्नाटका के अंदर आया है। बीएस येडियुरप्पा जो लिंगायत कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं, और लिंगायत कम्युनिटी को कर्नाटका में एक मुकाम पर पहुंचाने का अंदर जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। रिसेंटली आरएसएस की तरफ से जो है उनके ऊपर एक्शन लिया गया और उनको हटाया गया। अब कर्नाटका के अंदर आरएसएस और लिंगायत कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा अंदर एक लड़ाई चल रही है। उनके अंदर उनके जो लीडर को छेड़ा गया है उसको लेकर बहुत उनके अंदर जो है गम गुस्सा है, जिसको जिसको टैकल करने में कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम है, और बीजेपी को डर है कि कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन के अंदर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका के अंदर लिंगायतों की तादाद तकरीबन 70 लाख के करीब लिंगायत रहते हैं, एक डोमिनेटेड कर्नाटका की एक कम्युनिटी है, और लिंगायत असल में बसवन्ना को मारने वाले हैं, जो एक मजहबी रवादारी के लिए और एक अच्छे कल्चर के लिए, तहजीब के लिए जाने जाते थे, उनके मजहब को उनको मानने वाले लोगों के अंदर जो है आज आरएसएस वर्सेस लिंगायत हो गया है। और ये फार्मूले को बुलाने के लिए और इस चीज को बुलाने के लिए ये लोग जो है कम्युनल एंगल से जो है लोगों के दरमियान जा रहे हैं और लिंगायतों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे, क्रिश्चियनों को टारगेट करेंगे, दलितों को टारगेट करेंगे, आपको हम साथ में लेके चलेंगे, आप हमारे से दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही एक वजह है आरएसएस वर्सेस जो लिंगायत चले हुआ है इसको छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आरएसएस और लिंगायत की ये लड़ाई है जिसमें मुसलमानों को खासतौर पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है कर्नाटक में, अगर समझा जाए तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते हैं। जी मैं ये भी जानना चाहूंगा, बीते कुछ दिनों से लगातार देखा गया हिजाब का मसला हुआ तो उसमें एक नाम घेरने की कोशिश की गई कि हिजाब का मसला जब चल रहा था बच्चियां प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी, एक बैनर दिखा तो बैनर के जरिए तमाम जो हमारा गोदी मीडिया है उसने ये बताने की कोशिश की गई कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है
इस हिजाब मामले से जुड़ा हुआ है, बच्चियों को सड़क पर निकाल करके बैठा रहा है, और इसके बाद हिंसा कुछ घटित होती है हिजाब मसले के बाद में, जिसमें एक बजरंग दल का कार्यकर्ता हर्षा मारा जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को घसीटने की कोशिश की जाती है। असल में ये पूरा मामला क्या है जो लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक की सरकार की रडार पर बना हुआ है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, हर गांव में मौजूद है, और कर्नाटका के मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफियां हुई हैं पिछले 70 सालों में, उसको अवाम के अंदर बेजार करने में, उसको अवाम के दरमियान लाने में हम लोग कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे सियासतदानों को, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को जो है बहुत तकलीफ है। रहा हिजाब का इशू, हिजाब का इशू जो था वो सिर्फ एक 6 लड़कियों का इशू था, और 6 लड़कियों का इशू था, वो 6 लड़कियां मिलकर बहुत सारी कोशिश की, 1.5-2 महीना वेट किए वहाँ के उनके वालिदैन के साथ, प्रिंसिपल के साथ, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पूरों के साथ बात करने की कोशिश की गई, फिर भी जो है कोई भी सीरियस नहीं लेने के बाद जो है वो लड़कियां जो कोर्ट को गई थी वो इसी बिना पर गई थी कि कर्नाटका के पीओसी बोर्ड के जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस के अंदर जो है कहीं पर भी जो है यूनिफॉर्म का जिक्र नहीं है, आप पीओसी के बच्चों के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं थोप सकते, ऐसा गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस नहीं रहने के बावजूद भी क्यों हमें हिजाब से रोका जा रहा है, उसको लेकर जो है कोर्ट को गई। कोर्ट को जाने के बाद ये एक हमारी कौम की एक गैर जिम्मेदाराना हरकत समझिए आप, या एक मशवरा किए बगैर जो चीजें होती हैं हमारी कौम के अंदर, कोई जो है फंडामेंटल राइट बोल के कोर्ट को चले गया, कोई जो है मजहब का एक हिस्सा बोल के कोर्ट को चले गया, और वो बहस जो है एक छोटे से गाइडलाइन से जो है मजहब के तरफ जो है वो बहस चले गई। वो बहस जब कर्नाटका के अदालत में पहुंची, पहुंचने के बाद कर्नाटका के अंदर जो है आरएसएस संघ परिवार के लोग पूरे कर्नाटका के इंस्टीट्यूट्स के अंदर केसरी शाल, जाफरान शाल डालकर जो है बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किए, और कोर्ट को ये मजबूर किए ये लोग कि वो हिजाब के खिलाफ जो है फैसला सुनाए, और ये करने वाले आरएसएस वाले ही थे। जब कोई भी इनको कोई सहारा नहीं मिलता या कोई इनको सामने नहीं मिलता तो पॉपुलर फ्रंट, आप जानते हैं पॉपुलर फ्रंट को पूरे इंडिया में इस्तेमाल नाम करने के लिए बहुत आसान चीज है। क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार कभी हिजाब का मसला हुआ, हलाल का मुद्दा भी कर्नाटक में उठाया गया, रामनवमी के दौरान मीट को लेकर के तमाम दुकानें बंद कराई गई, मुस्लिम व्यापारियों का बायकॉट हुआ, अब मुस्लिम जो कैब ड्राइवर हैं उनका बायकॉट के ऐलान किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक मुद्दा और है जो अजान को लेकर के बवाल मचाने की कोशिश कर्नाटक में भी हुई है। मैं एक सवाल छोटा सा जानना चाहता हूं कि जो लगातार नफरत बढ़ाई जा रही है, अब बात अजान पर आ गई है, क्या हुक्मरान जो हैं देश की सत्ता पर काबिज होकर के भी क्या अजान पर कभी देश में बैन लगा पाएंगे? नहीं, ये बात मुमकिन नहीं है। देखिए, अजान का जो इंसिडेंट हुआ है, मैं बोल रहा हूँ आपको, सीरीज वाइज इंसिडेंट का एक इंसिडेंट है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है अजान को लेकर, नहीं है वो ऑर्डर, ये लाउड स्पीकर को इस्तेमाल को लेकर जो है, लाउड स्पीकर को इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो ऑर्डर के अंदर क्लियर मेंशन किया गया है कि दिन के औकात में आप सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक जो है लाउड स्पीकर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी साउंड रखकर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्लियर ऑर्डर है। वो मंदिरों को भी वही ऑर्डर है, चर्चों को भी वही ऑर्डर है, मस्जिदों को भी वही ऑर्डर है, इवन आप जुलूस भी कर रहे हैं तो उसको भी जो है वही ऑर्डर है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। वो एक सर्कुलर को, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पकड़कर ये लोग जो है फिर एक बार जो है उसको कहीं ना कहीं एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान इसको नहीं मान रहे। ये लोग अजान को तो रुका ही नहीं सकते, क्योंकि अजान के रिलेटेड जो अजान जो है एक 2 मिनट की अजान होती है जिससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए कर्नाटका के कई ऐसे गाँव हैं जहां पर लोग मुसलमान, हिंदू, गैर मुस्लिम लोग जो है अजान से जो है उनका टाइम टेबल सेट करते हैं, फजर के बाद हो या असर के बाद हो, खेतों से निकलना हो, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये अजान को जो है कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकते और ना अजान रुकेगी यहाँ पर। और कर्नाटका के अंदर जो है जो मैं बोला आपको, इलेक्शन को लेकर ये सियासत है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई कर्नाटका के गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर नहीं है जिसके अंदर जो है अजान को रुकावट की बात कही गई हो। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जो लगातार नफरतें कर्नाटक में बढ़ रही हैं, उन नफरतों को आखिरकार रोका कैसे जाएगा? देखिए, कर्नाटका के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 3 सालों से इख्तदार के अंदर है,
जो हॉर्स राइडिंग के जरिए से गवर्नमेंट बनाई थी, ये गवर्नमेंट के पास जो है अगले इलेक्शन को जाने के लिए कोई एक पुख्ता एक स्टैंड नहीं है इनके पास। इसीलिए ये लोग जो कम्युनल एंगल लड़ रहे हैं, जो मेन पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं, वो जनता दल सेक्युलर हो, कांग्रेस हो, ये अवाम के बीच में उनके फेलिवर को रखने में नाकाम है। ये अवाम के बीच में उनके नाकाम फेलिवर चीजों को रखने के बजाय ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर ये लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से हटकर अगर अवाम के बीच में आएंगे और बीजेपी के जो नाकाम चीजें हैं पूरे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की नाकाम चीजों को अवाम के बीच में उजागर करेंगे, तो यकीनन ये हेट पॉलिटिक्स को हम लोग कर्नाटका के अंदर शिकस्त दे सकते हैं।